अगर शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे मेरे पैदाइश गोवा से, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक हमारे डीएनए में ही है। तो बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि कोई अच्छा अलग लेवल बनाए जो बेसिकली यूथ को ज़्यादा टारगेट करे, मेलोडी को ज़्यादा टारगेट करे, और हम बेसिकली रीजनल में भी आना चाह रहे थे। वी वॉन्टेड टू हैव अनदर, मतलब वर्ल्ड वाइड एक अपना ब्रांड हो जाए इंडिया का। तो रेमो भाई से मिला और मोहित भाई से भी मिला, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ यूनिक म्यूज़िक बनाएंगे। तो हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी R&D की और फिर समझ में आया कि आज के दिन में डिजिटल मीडिया सबसे बड़ा है, तो लेट्स टारगेट पहले का मेलोडी और अभी का जो बेसिकली लेटेस्ट म्यूज़िक, इसको कंबाइन करके एक नया बैंड बनाया जाए। तो ऐसे करके हमारे एक माइंड में म्यूज़िक के लिए थॉट प्रोसेस था। मोहित भाई, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि यूथ की बात हो रही है, कितना इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है जो भी क्रिएटिव चीज़ें सचिन सर करते हैं उसके बारे में बताइए, और कोलैबोरेशन के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, किस तरह का कोलैबोरेशन है सचिन सर के साथ म्यूजिक मंकी? जी, म्यूज़िक हमारी लाइफ में हर पार्ट ऑफ द मोमेंट में रहता है, एंड हम जब मिले तो हमारा वाइब म्यूज़िक को लेकर बहुत ज़्यादा मैच किया मिला। सो हमने डिसाइड किया कि म्यूज़िक को आगे ले जाते हैं और लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, जो न्यू जनरेशन है, और म्यूज़िक मंकी उसी का काम करेगा। और जितना म्यूज़िक हमारे पास आर्टिस्टों से आता है, न्यू हो या अपकमिंग हो, तो हम उसको सुनते हैं, ध्यान देते हैं, नज़र देते हैं, पूरा कोलैबोरेट इफेक्ट रहता है हमारे साथ में। सचिन सर, आपसे जानना चाहूंगा, आज के दौर का जो म्यूजिक है पूरी तरह से चेंज हो गया है, लोग गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं। म्यूजिक मंकीज की अगर बात करें, किस तरह के गाने आपके लेबल लेके आने वाला है सबके सामने, और कितने कोलैबोरेशन अब तक हो चुके हैं, कितने गाने अब तक लाइनअप है, उसके बारे में अगर सर बताया। जी बिल्कुल, सी देखिए, म्यूजिक का ऐसा है कि मेलोडी जो है वो पहले हो या आज हो, मेलोडी के बगैर म्यूजिक कंप्लीट नहीं है, सब आप भी लोग भी मानोगे। तो हम लोगों ने बेसिकली पुराने मेलोडी और अभी के मेलोडी को मिला के थोड़े हमने पुराने मेलोडी को थोड़ा रिवाइव किया है, और आज के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने लेटेस्ट म्यूज़िक विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी म्यूज़िक बनाई गई है। करीबन हमने 11 आर्टिस्ट साइन कर लिए हैं और हमारे पास करीबन 70 ऑडियोज़ आर रेडी विद अस। हमारे पास करीबन 5 म्यूज़िक वीडियोज़ रेडी है, जिसमें से 3 हमने लंदन में शूट किए, 2 गोवा में शूट किए, ताकि हम लोग एक बार स्टार्ट करें ताकि हम रुके ना। और आइडिया यही है कि भाई पिछला और अभी का जो ट्रेंड है उसको मिला के हम कुछ नया वर्जन लेके आए, तो दैट इज़ द ओनली, वो हमारी कोशिश है जो हम अभी हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाए इसमें। सर, जैसे आपने एक सेकंड, जी सर, जब भी आप दोनों बात करें, पूछिए क्वेश्चन। ओके सर, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारी रिसर्च की है म्यूजिक को लेके, आई एम श्योर आपने ये भी रिसर्च की रहेगी कि म्यूजिक को लेके बहुत सारी कंपनियां हैं, टी सीरीज, जी म्यूजिक, सोनी म्यूजिक, जो कि अभी रूल कर रही है म्यूजिक इंडस्ट्री में। जी, म्यूजिक मंकीज का क्या उनके साथ कोई कॉम्पिटिशन है, या फिर क्या म्यूजिक के मामले में क्या अलग होगा उनसे, इस बारे में भी कुछ शेयर करें आप। जी, मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन मेरे लिए रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि मुझे लगता है हम सब एक ही फ्रेटर्निटी से हैं, तो मुझे लगता है कि हम वी आर लाइक ब्रदरहुड्स। तो उन्होंने ऑलरेडी एक इंडिया की म्यूज़िक को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो वो डेफिनेटली से कि वो हमारे कॉम्पिटिटर तो नहीं है बट ब्रदरहुड ही है। और हम इसलिए नया म्यूज़िक लेके आना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने करा हुआ है उसको हम उसमें थोड़ा कुछ एडिशनल करके हम और कैसे बेहतर करें, लेटेस्ट म्यूज़िक और इंटरनेशनल म्यूज़िक को हम कैसे ओपन फोरम में लाएँ, वो हमारी कोशिश है। क्योंकि आज के दिन में हमारे बॉलीवुड के भगवान की दुआ से सब म्यूज़िक जो है US इंटरनेशनली, ये आप बोले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे चल रहा है, सुपर डुपर हिट है हमारे गाने। तो पहले के ज़माने में ये नहीं थे, तो जो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो मुझे लगता है कि हमने मेलोडी को साथ में रख के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट म्यूज़िक को लेके आगे हमको बढ़ना चाहिए। तो ये मेरी सोच है इसके लिए। सर, अगर म्यूज़िक की बात करें, थोड़ा सा अगर जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं, कैसी जर्नी रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई, और कब सोचा आपने कि म्यूज़िक मंकी नाम का एक लेबल शुरू करना चाहिए, और नाम के बारे में भी जानना चाहूँगा सर, बहुत क्रिएटिव लगा मुझे नाम जी, अगर थोड़ा सा नाम के बारे में भी शेयर करें। जर्नी ऐसी है कि मेरी गलती से पैदाइशी गोवा में हुई है, तो ऑब्वियसली म्यूज़िक इज वॉज ऑलवेज इन माई DNA, मेरे DNA में रह चुका है। तो हम लोगों ने हमेशा सोचा था कि हम पहले गाना प्रोड्यूस करें, फिर हमने डिसाइड किया कि गाने से अच्छा हम लोग एक अपनी म्यूज़िक खुद लेबल लॉन्च करें, ताकि जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जिनको एक्चुअली हमारी ज़रूरत है, तो उनको हम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दे सकें। सो उस जर्नी को हमने स्टार्ट करा, आप बिलीव नहीं करोगे, हम फगवाड़ा तक गए हैं पंजाब में, हम लोग ग्वालियर से लेके MP सब जगह पे हमने रिसर्च किया, टैलेंट उठाए, अच्छी म्यूज़िक उठाई। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, जो सब लोग मानोगे आज आप, तो इतना ही कि उनको हम किस हिसाब से अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके, वो हमारी कोशिश थी। सेकंड, आज के दिन में आप देखोगे तो पूरी यूथ जो है ना म्यूज़िक से रिलेट करती है,
और वर्किंग क्लास और यूथ क्लास के पास उतना टाइम नहीं कि जाके हर जगह पे वीडियो देखे। तो आज डिजिटल मीडिया से लेके स्पॉटिफाई से लेके काफ़ी सारी कंपनीज है जो बेसिकली ऑडियो की वजह से म्यूज़िक बहुत बड़े लेवल पे पहुँचा है। तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई कांट वी हैव अ कोलैब, पुराना और नया मिक्स करके एक नया वेंचर बनाए, नई म्यूज़िक लॉन्च करे जो यूथ को भी हाईलाइट करे और वर्किंग क्लास को भी करे और पुराने जनरेशन को भी करे। तो हम लोगों का माइंड में ये था कि वर्ल्ड वाइड जाना है, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि डांसिंग तो मंकी करता है, तो हमने सोचा कि चलो मंकी म्यूज़िक रखे या म्यूज़िक मंकी करे। तो फिर मैंने कहा कि म्यूज़िक को पहले लाते हैं, तो म्यूज़िक और मंकी हमने सर कोलैब करते हैं, दैट इज़ अ बेसिकली। सर रेमो सर के साथ जो है बहुत जल्दी कोलैबोरेशन होने वाला है, जब उनको आपने बताया इस लेबल के बारे में उनका क्या रिएक्शन था, उनके थॉट्स इस लेबल के बारे में आपसे जानना चाहूँगा सर। रेमो जी से मेरी जब पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने गाने सुने, उन्होंने हमारा म्यूज़िक का नाम सुना और वो काफ़ी रिलेट किए, क्योंकि आज के दिन में मुझे लगता है कि रेमो से मतलब सेंसिबल म्यूज़िक पर्सन कोई है नहीं। ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज, उनको काफ़ी नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में, कोरियोग्राफी के बारे में। तो मुझे लगा कि सबसे बेहतर इंसान वही हो सकते, क्योंकि हमारे लिए तो वो मेंटोर है, हमने तो उनको देख देख के म्यूज़िक भी सीखा है और डांस भी सीखा है। तो रेमो भाई ने जब ये गाने सुने तो उनको भी लगा कि हमने कुछ यूनिक बनाया है, तो उन्होंने अपने को भी खुद इनपुट्स दिए उसमें काफ़ी सारे, और उनके गाइडलाइंस के अंदर हमने काफ़ी म्यूज़िक बना दी है। तो करीबन 70 गाने हमने बनाए थे, तो रेमो जी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रह चुका है इसमें। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि आप ये म्यूज़िक मंकी में बाहर के गाने भी आप परचेज करेंगे या अपने आप चलाएंगे? हम लोगों ने अच्छा सॉन्ग बनाया है जी, और आपको देना है तो वो आप परचेज कर सकते हैं? हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रखा है, हालांकि हम लोगों ने टैलेंट को साइन किया, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम अपने ही आर्टिस्ट को सिर्फ करेंगे। हम लोग जो जो अच्छा टैलेंट हमको दिखता है कि जहां हमको गाने अच्छे लगते हैं, हम परचेज भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टैलेंट सीमित नहीं रहती, टैलेंट वर्ल्ड वाइड है, तो हम जितना लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं हम ज़रूर देंगे, हम गाने खरीद ही रहे हैं बाहर से। मोहित जी आपका क्या रोल होने वाला है, उसके बारे में बताइए कि आप कैसे लीड करने वाले हैं इस म्यूजिक लेबल? पूरा सिलेक्शन, नज़र ध्यान रखना डिजिटली सोशली, सारा आर्टिस्टों से लाइनअप मिलना, एवरीथिंग पूरा पार्ट ऑफ द जर्नी रहेगा म्यूजिक मंकी में। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आप नए नाम के साथ काम करने वाले हैं, हालांकि आप जो है रेमो डिसूजा सर के साथ काम कर ही रहे, लेकिन आपने बोला कि आप नए फेस को, नए सिंगर्स को मौका देने वाले हैं एज अ नया म्यूजिक लेबल, ये थोड़ा रिस्की नहीं होगा सर कि नए लोगों के साथ काम करना, क्योंकि जब आप नोन के साथ काम करते हो तभी आपको थोड़ा रीच ज्यादा मिलता है, वो तो आप मानते होंगे सर, क्योंकि आपने बहुत रिसर्च किया, अगर उस बारे में कुछ थॉट आप अगर शेयर करें हमारे साथ। देखिए मुझे लगता है पैंडामिक के बाद सबका नज़रिया चेंज हो गया है, एंड आई थिंक डिजिटल ने सबको सिखा दिया कि भाई आज टैलेंट ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आता है। पैंडामिक के बाद आप मूवीज़ बोलिए या म्यूज़िक बोलिए, काफ़ी सारे नए टैलेंट बाहर निकल के आए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पुरानी या फेमस आर्टिस्ट या कोलैब नहीं करेंगे, हमने उनसे भी करा है, काफ़ी बड़े नाम्स हैं हमारे पास, बट हम ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं कि जो हमारे खुद के टैलेंट हो, ताकि उनको हम बड़ा बनाएं, जिनको एक्चुअली हमारी ज़रूरत है। तो वो रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहेगा, बट वी ट्रस्ट आवर यू नो, हमारे जितने भी हमने आर्टिस्ट की साइन किए हैं, हम उनको 100% 200% हम उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, क्योंकि हमने उनका टैलेंट देखा है। तो आई थिंक आज के दिन में टैलेंट बोलता है, कुछ बोले या ना बोले टैलेंट दिखता है। सर कब ये म्यूजिक लेबल सबको देखने मिलेगा, कब पहला गाना लॉन्च करने का सोच रहे हैं आप लोग, क्या ऐसा कोई डेट डिसाइड किया? अगर कुछ मैं आपको ज़्यादा इंतजार, कौन से जॉनर का होगा ये भी जानना चाहूंगा। जी जी मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, 3 अक्टूबर का हमारा फर्स्ट लॉन्च है, एक फर्स्ट गाने का और म्यूज़िक लॉन्च भी है, जहाँ हम बेसिकली सिंस रेमो हमारे साथ हमारे मेंटर हमारे पार्टनर भी है, तो हम लोगों ने सबसे पहला डांस नंबर ही बेसिकली चूज़ किया है, जो हमने लंदन में गाना किया था, और रेमो जी ने उसको डायरेक्ट भी किया है लकीली, उसमें धर्मेश भी है और लॉरेन भी है, तो काफ़ी अच्छा हम लोगों का एक सेटअप बना है, गाना काफ़ी बड़ा बना है, शायद आप लोग पसंद करोगे, बस प्रे करना क्या हमारा गाना अच्छा है। सर ये गाने जो हैं आपके हिंदी में रहेंगे क्या, हर लैंग्वेज का गाना? हम लोग इनिशियल स्टेज पे हिंदी और पंजाबी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि सिंस हम लोग अभी बॉलीवुड में है तो स्टार्ट हम उसी से करेंगे, बट सेकेंड स्टेप में हम लोग पूरे रीजनल को लेके आ रहे हैं साथ में, सो इट विल बी बिकॉज अगर म्यूजिक लेबल है तो हमको सब लैंग्वेज करना ही पड़ेगा। सर
बिल्कुल, हम हर तरह के जॉनर बनाएंगे। हम लोग सूफी रैप भी कर रहे हैं, हम लोग टेक्नो मेलोडी, रोमांटिक, सैड रोमांटिक, मतलब आप जो बोलो हम सब रेंज के गाने बनाएंगे। अनफा के आराम बना चुके हैं ऑलरेडी, जो आपको बहुत जल्दी देखने भी मिलेगा और सुनने भी मिलेगा। आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, म्यूजिक लेबल तो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, क्या कोई प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करने का प्लान है, फिल्म्स करने का प्लान है, अगर उस बारे में भी कुछ शेयर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं आपको रिवील कर ही देता हूँ। हम ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस ला चुके हैं, जहाँ हमने 2 बड़ी फिल्म और 3 वेब सीरीज ऑलरेडी साइन किया हुआ है, और हम लोग इसका जल्दी ही आपको इसका अनाउंसमेंट भी मिल जाएगा कि कौन सी पहली मूवी रहेगी। और हमने रिसेंटली एक तेलुगु फिल्म भी को प्रोड्यूस किया है, उसका भी मैं आपको जल्दी अनाउंसमेंट और न्यूज़ दे दूंगा। सर जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस बहुत जल्दी आपके म्यूजिक लेबल के साथ जुड़ने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने वाली है, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैसेज ये है कि ऑब्वियसली हम गाने तो आप ही के लिए बना रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बेहतर म्यूज़िक दें, लेटेस्ट म्यूज़िक लेके आ जाए जो आपको पसंद हो। और अगर मुझे लगता है कि आज यूथ भी हमको ज़्यादा कुछ रेफ़र करना चाहिए या कुछ हमको गाइडनेस करना चाहिए, तो हम लोग ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिकमेंडेशन करें, ताकि हम भी वी कैन लर्न एवरी डे। तो हम वो रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप भी हमको उस हिसाब से प्यार करें जिस हिसाब से हम आपको प्यार करें। एक सवाल मेरा ये भी कि जैसे कोई टैलेंट जुड़ना चाहता है आपसे, चाहे सिंगल हो या एक्टर हो या किसी तरह से, वो आपसे कैसे अप्रोच करें, अगर उसके लिए भी क्या आप रेडी है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने अभी हमारे वेबसाइट सेक्शन में एक बेसिकली टैलेंट का एक अलग सेक्शन ही बनाया है, ताकि हर टैलेंट को हमारी वेट करने की ज़रूरत ना पड़े, उस पर अपलोड कर सकते हैं अपना टैलेंट, गाना, जो भी एक्टिंग स्किल हो, और हम डेफिनेटली हमारी क्रिएटिव टीम के साथ बैठ के उसको रिफाइन करके हम लोग उसको तुरंत रिप्लाई भी कर देंगे। तो हमने सिस्टम उस हिसाब से बना के रखा है। थैंक यू वंस।